वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टॉय स्टोरी एंड स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही गाइस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से इस स्टोरी का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए गाइस स्टोरी की ओर बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज का टाइटल देखते हैं एंड समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस आज का टाइटल द केयरलेस जेनी। तो गाइस यहाँ जो द है वो एक आर्टिकल है एंड केयरलेस का अर्थ होता है लापरवाह एंड जेनी यहाँ किन्हीं का नाम है। तो जो इसका हिंदी मीनिंग होगा वो यह होगा कि लापरवाह जेनी, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। तो चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और जेनी का लापरवाह काम या वो किस काम में अपनी लापरवाही बरतती है उसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। जेनी वॉज अ वेरी अनटैडी एंड केयरलेस गर्ल। गाइस पूरे सेंटेंस में वॉज लगा होने के कारण हमें यह पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट में है एंड जेनी यहाँ सिंगुलर है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वॉज का प्रयोग किया गया है। एंड अनटैडी का अर्थ गंदा होता है एंड केयरलेस का अर्थ लापरवाह होता है। तो जो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होगा वो होगा कि जेनी जो थी वो एक गंदी और लापरवाह गर्ल थी, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। चलिए आगे देखते हैं। वंस हर फादर गिफ्टेड अ पैकेट ऑफ चॉकलेट्स टू हर। देखिए गाइस अब क्या होता है कि एक बार हर फादर, हर किसके लिए आ रहा है, ये जेनी के लिए आ रहा है। तो जो उसके पिता हैं वो गिफ्ट यानी कि गिफ्टेड करते हैं अ पैकेट ऑफ चॉकलेट्स, अर्थात चॉकलेट से भरे एक पैकेट को गिफ्ट करते हैं। किन्हें? जेनी को। कौन? उसके फादर। चलिए आगे देखते हैं गाइस। यहाँ हर जो है वो जेनी के लिए आ रहा है एंड यहाँ जो हर है वो भी जेनी के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ एक पॉजेसिव के रूप में काम कर रहा है, हर फादर उसके पिता। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं। जेनी बीइंग अ केयरलेस गर्ल। गाइस इसका हिंदी मीनिंग यह होगा कि जेनी का एक लापरवाह गर्ल होने के कारण, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जेनी एक गंदी और लापरवाह गर्ल थी, तो जेनी का लापरवाह गर्ल होने के कारण फॉरगॉट टू कीप द चॉकलेट इन द रेफ्रिजरेटर एंड लेफ्ट देम ऑन द चेयर इन हर रूम। अब देखिए गाइस आगे क्या होता है कि जो जेनी थी वो हमें पहले ही पता चल चुका है कि वो एक गंदी और केयरलेस गर्ल थी, तो उसके गंदे या एक बोल सकते हैं कि जेनी के लापरवाह होने के कारण वो भूल जाती है, ये फॉरगेट का पास्ट है फॉरगॉट, तो वो भूल जाती है टू कीप रखना द चॉकलेट यानी चॉकलेट्स को इन द रेफ्रिजरेटर, यानी रेफ्रिजरेटर का अर्थ होता है फ्रिज में, एंड लेफ्ट, ये लेफ्ट का यहाँ राइट एंड लेफ्ट से नहीं है या मोड़ वाला ये लेफ्ट राइट नहीं है, बल्कि लेफ्ट का अर्थ यहाँ छोड़ देने से है, तो वो छोड़ देती है एंड लेफ्ट देम ऑन द चेयर इन हर रूम। वो उन सारे चॉकलेटों को अपने रूम के चेयर के ऊपर ही छोड़ देती है। कौन? जेनी। एंड गाइस यहाँ जो देम का उपयोग किया गया है वो है उन चॉकलेट्स के लिए, क्योंकि ये चॉकलेट्स प्लूरल हैं इसलिए यहाँ प्लूरल देम का प्रयोग किया गया है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं एंड समझने का प्रयास करते हैं। एंड यहाँ भी गाइस जो हर है वो पॉजेसिव के रूप में काम कर रहा है, हर रूम उसका रूम। अब चलिए आगे चलते हैं। सी वेंट आउट टू प्ले विथ हर फ्रेंड। अब देखिए गाइस जो जेनी थी वो चॉकलेट्स को रख कर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। सी, ये सी भी जेनी के लिए आ रहा है एंड इस सी से हमें यह भी पता चलता है कि जो जेनी है वो एक फीमेल है
एंड वेंट, वेंट का अर्थ यहाँ जाना है, जैसे गो वेंट गोन, तो गो का यहाँ पास्ट लगा है, गो वेंट गोन। तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती है खेलने के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। इन द इवनिंग, अब इन द इवनिंग का अर्थ होगा शाम में, वेन सी रिटर्न्ड होम, शाम में जब वह वापस घर आती है। सी यहाँ जेनी के लिए उपयोग किया गया है, एंड रिटर्न्ड का अर्थ होता है वापस आना या जब वह वापस आई, क्योंकि ये पास्ट लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। सी सेट डाउन ऑन दैट चेयर। अब देखिए गाइस, जो जेनी है वो शाम को खेल कर वापस घर आती है और वो सीधा उस चेयर के ऊपर बैठ जाती है। सी जेनी, सीट का यहाँ पास्ट लगा हुआ है, डाउन ऑन दैट चेयर यानी कि जो वो जब वो वापस आती है तो वह उसी चेयर के ऊपर बैठ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सी गोट अप एंड क्राइड लाउडली। अब देखिए गाइस, जब वो अचानक आती है और बैठ जाती है और फिर उसके बाद वो खड़ी हो जाती है एंड क्राइड लाउडली, और वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है या ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगती है। कौन? जेनी, क्योंकि यहाँ सी जेनी के लिए आया है। चलिए आगे देखते हैं। एंड इस लाइन में वैसी कोई चीज़ भी नहीं है जिसे समझाया जा सके, आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सी रियलाइज दैट सी हैड सेट ऑन द चॉकलेट्स दैट हैड मेल्टेड इन द हीट। अब देखिए गाइस, यहाँ ये होता है कि सी कौन, ये जो जेनी थी वो रियलाइज का अर्थ होता है महसूस करना या एहसास करना, तो वो क्योंकि यहाँ ये पास्ट है तो यहाँ ये होगा कि उन्होंने एहसास किया या महसूस किया कि, यहाँ दैट का अर्थ की होगा कि, सी हैड सेट कि वो बैठ गई ऑन द चॉकलेट्स, उन्होंने एहसास किया कि वो चॉकलेट के ऊपर बैठ गई। दैट, यहाँ दैट का अर्थ जो कि होगा, जो कि हैड मेल्टेड, मेल्ट का अर्थ होता है पिघलना, तो हैड मेल्टेड यानी कि जो पास्ट यहाँ लगा हुआ है तो हम इसे यह कह सकते हैं कि वो उस चेयर पे बैठी जिस पर जो चॉकलेट रखा हुआ था और वो चॉकलेट जो गर्मी के कारण पिघल गया था। देखिए दैट हैड मेल्टेड इन द हीट यानी गर्मी के कारण वो सारा जो चॉकलेट था वो पिघल चुका था और वो उसी के ऊपर आकर बैठ जाती है। चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं। हर पेरेंट्स उनके माता पिता केम रनिंग टू हर रूम। अब देखिए गाइस, जब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है तो उसके जो माता पिता हैं वो दौड़ते हुए उसके रूम में पहुंचते हैं। हर रूम टू देयर डिसमी, वे थोड़े नाराज हो जाते हैं या हम ये बोल सकते हैं कि वो उन्हें थोड़े निराश कर देती है। ये सारी घटनाएं को देखकर उनके पेरेंट्स थोड़े निराश हो जाते हैं या उनमें थोड़ी मायूसी छा जाती है किसमें, जो जेनी के जो पेरेंट्स थे वे थोड़े मायूसी हो जाते हैं या थोड़े उनमें नाराज़गी छा जाती है। चलिए आगे देखते हैं। देयर यहाँ उनके पेरेंट्स के लिए लगा है क्योंकि वो दोनों मिलकर, उनके माता पिता मिलकर प्लूरल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ प्लूरल का उपयोग किया गया है। अब चलिए आगे चलते हैं। दे शो दैट ऑल द चॉकलेट्स वर क्रश्ड एंड हैड स्टेन्ड जेनिफर्स न्यू ड्रेस। अब देखिए गाइस, जब उनके माता पिता उनके रूम में पहुंचते हैं तो दे, यहाँ दे उनके लिए आ रहा है, उनके माता पिता के लिए आ रहा है क्योंकि वो दोनों मिलकर प्लूरल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ प्लूरल का उपयोग किया गया है। तो गाइस यहाँ पास्ट है शॉ यानी उन लोगों ने देखा, कौन, उनके पेरेंट्स ने देखा कि दैट कि ऑल द चॉकलेट्स यानी कि जितने सारे जो उनके पापा ने गिफ्ट किया था वो सारे चॉकलेट्स वर क्रश्ड यानी कुचला हुआ था एंड हैड और स्टेन का अर्थ होता है दाग लगना, तो यहाँ पास्ट
पास्ट है तो हो जाएगा स्टेंड, यानी कि दाग लग चुका था जेनिफर्स, जो जेनी का जो न्यू ड्रेस था उसमें दाग लग गया था, किनका, जो चॉकलेट पिघला हुआ था उसका, उसके न्यू ड्रेस में दाग लग गया था। अब गाइस यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ चॉकलेट्स के कारण यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। साथ ही गाइस जब भी हमें एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा कर एस लगा हुआ मिले तो हम यह समझेंगे कि ये ऑफ का हमें अर्थ दे रहा है, ये एपोस्ट्रोफी के बाद एस आता है वो हमें ऑफ का अर्थ देता है। तो जेनिफर का, या ये जेनिफर जेनी के लिए आ रहा है, तो जेनी का न्यू ड्रेस जो था उसमें दाग लग गया था। जेनी वॉज स्कोल्डेड फॉर हर केयरलेसनेस। अब देखिए गाइस बहुत सारे लोग इसे यह समझते होंगे कि जेनी किसी को डांटती है या किसी को डांट लगाई, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही गाइस वॉज से हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है। साथ ही गाइस यहाँ वॉज के बाद हमें V3 मिल रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो पूरा सेंटेंस है वो पैसिव में है, क्योंकि हमने पहले भी स्टोरी में बता रखा है कि वॉज, वर, इज, एम, आर, जब भी इन हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 आए तो हमें यह मान के चलना है कि ये सेंटेंस पैसिव में दिया गया है, एंड पैसिव में मानेंगे हम। एंड साथ ही गाइस हम यह मानेंगे कि पैसिव में जब भी कोई सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट के ऊपर क्रिया होती है, ना कि सब्जेक्ट है वो कार्य करता है। तो यहाँ सब्जेक्ट जेनी है और जेनी के ऊपर क्रिया किया गया है, अर्थात जेनी को डांटा गया है। जैसे जेनी वॉज स्कोल्डेड फॉर हर केयरलेसनेस, तो जेनी को डांटा गया उसके लापरवाही के कारण, यानी कि यहाँ जेनी को डांट पड़ रही है उसके ये केयरलेसनेसपन का, एंड हर यहाँ जेनी के लिए ही आ रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, तो चलिए गाइस आगे देखते हैं। सी नाउ अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस। देखिए गाइस ये सारी घटनाएं हो जाती है उनके बाद। सी नाउ मतलब वह अब अंडरस्टूड का अर्थ होता है समझ जाना, तो जो जेनी थी वो समझ जाती है द इम्पोर्टेंस, यानी द इम्पोर्टेंस का अर्थ होगा महत्व को, ऑफ कीपिंग रखने का, द थिंग्स वस्तुओं को, इन देयर प्रॉपर प्लेस उनके उचित स्थानों पर या उनकी उचित स्थानों में। तो गाइस जो जेनी है वो इन घटनाओं के बाद पूरी तरह से वस्तुओं को एक प्रॉपर प्लेस में या उन वस्तुओं को उचित स्थानों में रखने के महत्व को वो समझ जाती है। तो गाइस आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो जेनी है वो एक चेयर के ऊपर बैठी है, आप देख सकते हैं, एंड जो ये चॉकलेट है वो पिघला हुआ है, एंड उनके जो न्यू ड्रेस है वो भी उनमें दाग लग गया है। तो गाइस स्टोरी हमारा यहीं पे समाप्त होता है, एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।